राजनीतिक पार्टियों को लेते हुए मैं संविधान के साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि जी संविधान सबसे ऊपर है, जी क्योंकि संविधान के अंदर कोई जात पात नहीं है, जी बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है मेरा देश जी का संविधान, इसीलिए मैं संविधान के साथ जुड़ी हूँ सर। बिल्कुल। तो आपका यदि हम जीवन सौपन की बात करते हैं, जब शिक्षा आप कर रहे थे उस समय भी आपका कलेक्टर जैसे लगने का था, तो अन्य क्या सौपन रहा था आपका, अन्य कुछ करने का परिवार के साथ में भी, इससे पहले भी आपका जो परिवार है वो राजनीति पार्टी में रहा है? हाँ जी, मेरे फादर साहब रहे हैं, जी लेकिन सर मेरा सपना शुरू से ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाने का रहा है, क्योंकि मैं लोगों के दुख दर्द को देखकर बहुत दुखी होती हूँ। समाज के बिल्कुल अंदर बहुत ज़्यादा लेडीज़ का सबसे ज़्यादा शोषण बिल्कुल हो रहा है इस टाइम में भी, उसको उठाने के लिए मैं थोड़ा इसमें मैं कलेक्टर नहीं बन पाई, मेरा ये दुर्भाग्य रहा है, लेकिन मैं राजनीति के अंदर इसीलिए आई हूँ ताकि मैं नारी का विकास कर सकूँ, नारी के विकास के साथ साथ पूरा समाज का विकास हो। बिल्कुल। तो मीनाक्षी जी, यदि यहीं आपके वार्ड की बात करते हैं, एक तो होता कि अपने ही वार्ड का विकास करना, एक यदि पूरे कर्नाटक के अंदर से यदि कोई समस्याएं लेकर के आता है, क्या आप उसकी समस्याओं को भी सुनेंगे या अपने ही वार्ड का विकास चाहेंगे, या आप बड़े स्तर पर यदि राजनीति की बात करते हैं तो अन्य लोगों की भी समस्याएं भी सुनेंगे? सर नहीं, मैं अपने वार्ड का नहीं पूरे ही शहर की जी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहूंगी। जी मेरा मोटिव कोई समाज सेवा से, कोई एक वार्ड से नहीं है, समाज सर बहुत बड़ा है, इस बिल्कुल समाज के अंदर तो पूरी दुनिया समा जाती है, जी और सर मैं पूरी दुनिया के साथ तत्पर रहूंगी उनकी समस्याओं को सुधार करने के लिए, उनके निवारण करवाने के लिए। मीनाक्षी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप संचार क्रांति के माध्यम से वार्ड नंबर 15 के जो मतदाता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं संसार क्रांति जी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करती हूँ, जी और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं 15 वार्ड के लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जी सबसे पहले अपना मत का मूल्य पहचानिए, जी अपनी पहचान बनाइए। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे भी, मैं 15 वार्ड से भावी उम्मीदवार पार्षद के लिए जी चुनाव लड़ रही हूँ, तो मुझे भी अपना आशीर्वाद दें, जी और जो भी समस्याएं हैं वार्ड की, जैसे गली बनवाना, स्ट्रीट लाइट, जी पानी की समस्या, बिजली की समस्या, जो बुढ़ापा पेंशन है लोगों की वो नहीं बन पा रही है, जी बहुत सारे लोगों के मैंने अभी वोटर कार्ड बनवाए हैं, बिल्कुल बहुत सारी लेडीज, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने एक स्किल योजना बनाई है, वो घरोंडा के अंदर तो सेंटर है सर, वहाँ पे फ्री सबको जो स्किल है कंप्यूटर जी का बिल्कुल या 2 पहिया वाहन का, वो वहाँ पे नॉलेज दी जा रही है उनको, जी उसकी स्किल दी जा रही है, क्वेश्चन प्रदान किया जा रहा है, लेकिन मेरे करनाल के अंदर ऐसा नहीं है। तो क्या सर अभी तक मेरे करनाल के अंदर जो मेयर है या वार्ड है, जो वार्ड के पार्षद है, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं कि मेरे बिल्कुल करनाल को भी इस चीज़ की ज़रूरत है। जी तो सर मैं चाहती हूँ अगर मुझे, मेरे 15 वार्ड के लोग मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, तो जी मैं उनकी हर समस्या का समाधान करूंगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ करनाल से वार्ड नंबर 15 से जो प्रत्याशी हैं मीनाक्षी देवी, जो इनका कहना कि समाज की जो समस्या होती है उनको समस्या का समाधान करना ही मुख्य उद्देश्य रहेगा। और महिलाओं की यदि बात करते हैं, शिक्षा सत्र की हम बात करते हैं, इन्होंने पहले भी शिक्षा के माध्यम से पूरे शहर के अंदर यदि कहते हैं शिक्षा के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई है और शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा का कार्य किया है। अभी राजनीति में आकर के कहीं ना कहीं समाज सेवा करने का मौका चाहती हैं वार्ड नंबर 15 से। तो अधिक जानकारी के लिए संसार क्रांति के साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए संसार क्रांति के लिए करनाल से मैं अजब भारद्वाज।